गूगल फाइल्स क्या होता है और इसमें क्या क्या फीचर दिए हुए हैं और इसे हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फाइल्स। ये गूगल का ऐप है इसीलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गूगल फाइल्स, सो फ्रेंड्स ये है गूगल फाइल्स और मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है और इसमें कितना रेटिंग है। देखिए फ्रेंड्स इसमें 4.4 की रेटिंग है और 5 मिलियन लोगों ने इसे रिव्यू दिया है और 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं ये गूगल का ऐप है और पूरा सिक्योर ऐप है और इसके डाउनलोड आप देख सकते हैं 1 बिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। सो फ्रेंड्स तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर और क्या क्या फैसिलिटी है। तो अभी हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम ओपन करते हैं गूगल फाइल्स। ये गूगल फाइल्स है, चलिए फ्रेंड्स हम गूगल फाइल्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें जो भी परमिशन मांगेगा हमें उसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्लीन का, तो हम इस क्लीन पे टच करेंगे और टच करने के बाद सबसे पहला जो इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है कि आपके मोबाइल में कितना वायरस है जो आपको ये बताएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे मोबाइल में 1.01 GB वायरस है जो जंक फाइल है, हम अपनी भाषा में इसे वायरस कहते हैं। और ये बिना कुछ डिलीट किए अगर हम इसे यहाँ से क्लीन करेंगे ये 1 GB तक मेरा इंटरनल स्टोरेज खाली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए यहाँ देखिए मेरा जो अभी यूज्ड है टोटल 64 GB है जिसमें 28.11 GB यूज्ड है और अब हम खाली करते हैं तो देखते हैं ये कितना कम होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप स्किप मत करना बिल्कुल, आज मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स देखिए 1.0 GB तक ये मेरा इंटरनल स्टोरेज खाली हो गया और अब दिखाते हैं कितना यूज है। देखिए अभी 28.11 GB यूज था और अभी 27.14 GB हो गया, मतलब 1 GB जो है बिना कुछ कहे मेरा इंटरनल स्टोरेज खाली हो गया। फ्रेंड्स आप सोचते होंगे मेरा मोबाइल में कुछ नहीं है फिर भी कैसे फुल दिखा रहा है, तो वो आपके मोबाइल में वायरस होता है और ये गूगल का ऐप है तो ये बिल्कुल सब कुछ सही बताता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स, जैसे आपने मैंने जितने भी मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले रखे हैं और वो ओल्ड स्क्रीन शॉट मतलब ज़्यादा पुराना हो चुका है और वो जो फाइल है 79.83 MB का है और हम चाहे तो इसे डिलीट करके इतना MB को खाली कर सकते हैं और चाहे तो हम सिलेक्ट फाइल करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए हम सिलेक्ट फाइल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी फ़ोटो हमें डिलीट करना होगा इसमें से एक फ़ोटो को हम इसे टच करेंगे यहाँ से और सिर्फ एक ही फ़ोटो को भी हम डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट यहाँ पे वन फाइल परमानेंटली है जो यहाँ से डिलीट करने के बाद ये दोबारा से वापस नहीं आएगा, तो चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और चाहे तो डिलीट यहाँ कम्प्लीटली लिखा हुआ है और रिस्टोर अब चाहे तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, तो हम कम्प्लीट कर देते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल इसी तरह का है, जो आपका फाइल है यहाँ पे व्हाट्सएप मीडिया में जो भी फाइल आया हुआ है वो दिखा रहा है कि आपका जो व्हाट्सएप में जो भी फ़ोटो है वो 552 MB का है और 796 फाइल्स है। इसमें जितने भी फ़ोटो वीडियो आप कहीं भी रहेगा वो सारा यहाँ पे आपका शो करेगा जो कहीं भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपका यहाँ पे डिलीट रिकॉर्डिंग है, जो भी आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है वो भी आप यहाँ से इसी तरह सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके एक एक करके जो भी डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अभी यहाँ से बैक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो है सेम उसी तरह से 1.9 GB है, इसमें से भी सिलेक्ट फाइल करके आप एक एक करके जो जो डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ। और इसके बाद डाउनलोड फाइल्स है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ से चाहे तो और भी स्पेस ले सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बैकअप योर फोटोज ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से अपने फ़ोन का फ़ोटो को बैकअप ले सकते हैं। इस तरह से जब आप अपने फ़ोन से आपका फ़ोटो डिलीट हो जाएगा तब भी आपको यहाँ से वो बैकअप आपके गूगल से वो मिल जाएगा। और जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन, इस तरह से आपके मोबाइल में कोई भी अगर नुकसान पहुँचाने वाला ऐप होगा तो वो आपको यहाँ से दिखा देगा। वो चेक करने के लिए आप गो टू प्ले प्रोटेक्ट को टच करेंगे और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि नो हार्मफुल एप्स फाउंड, मतलब मेरे मोबाइल में कोई भी एप्स जो है भी क्षति पहुँचाने वाला नहीं है। आप चाहे तो इसे फिर से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद ये आपको दिखा देगा अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा ऐप होगा जो आपको क्षति पहुंचा रहा है तो वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो अभी मेरे मोबाइल में कोई भी ऐसा ऐप नहीं है तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ। और बैक करने के बाद अब जो क्लीन का जो ऑप्शन था इसमें जो भी सारे फीचर थे मैंने आपको बता दिए। अब ब्राउज पे चलते हैं। ब्राउज पे टच करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी आपका अलग अलग फाइल आपको दिखाएगा, इमेज वीडियो जो भी है अलग अलग फाइल दिखाएगा और कौन सा फाइल कितने एमबी का है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे जो फेवरेट है फेवरेट का ऑप्शन में आप यहाँ से फेवरेट के ऑप्शन पे कोई भी फ़ोटो आपके मान के चले आपके मोबाइल में 600-700 फ़ोटो रहता है या 1000 फ़ोटो रहता है उसमें से कोई फ़ोटो ऐसा है जो आपका फेवरेट है और आप उसे बार बार देखते हैं तो फ़ोटो की गैलरी में जाके वो आपको बार बार ढूंढना पड़ता है। तो आप चाहे तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से चलिए हम आपको दिखाते हैं कोई भी एक इमेज को लेते हैं और यहाँ पे एक फ़ोटो मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और इस तरह से फ़ोटो को मैं पहले एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू फेवरेट, तो हम ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा फेवरेट में चला जाएगा और इस फ़ोटो को हम डायरेक्ट फेवरेट गैलरी में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो फेवरेट का ऑप्शन है इसमें एक फ़ोटो आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियो कुछ भी आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं और वो चीज़ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सेव फोल्डर, यहाँ पे आप चाहे तो अपने फ़ोटो वीडियोज पर लॉक लगा सकते हैं और पिन लगा सकते हैं और ऐसे में आपका वीडियो कोई भी नहीं देख पाएगा। तो चलिए वो फ़ोटो में पिन लॉक या पैटर्न कैसे लगाना है हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से इस पर हम टच करेंगे सेव फोल्डर पर। सेव फोल्डर पर टच करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक पिन का और एक पैटर्न का। तो इसमें से आपको पिन सेलेक्ट करना या पैटर्न सेलेक्ट करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मैं फ़िलहाल पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पिन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 4 अंकों का पिन हम जनरेट करेंगे। तो चलिए हम 1112 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिए। इसके बाद फिर से 1112 करके नेक्स्ट कर दिए। इस तरह से जो हमारा पिन है जनरेट हो गया। अब हम इसे यहाँ से बैक कर लेते हैं और ये हमारा फोल्डर सेफ हो गया। अब इसमें हम कोई भी फ़ोटो वीडियो रख सकते हैं और ये फ़ोटो वीडियो केवल वही देख पाएगा जिसे पिन या पैटर्न पता होगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि सेव फोल्डर में आपको फ़ोटो वीडियो कैसे रखना है। तो इसके लिए हम कोई भी इमेज को ओपन करते हैं। जैसे इसे हम डाउनलोड या इमेज को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद चलिए अब एक फ़ोटो मैंने यहाँ से ले लेता हूँ और इस फ़ोटो को मैं चाहता हूँ कि कोई भी नहीं देख पाए कि ये सेव फाइल में जाए। तो इसके लिए यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर देंगे फिर इसे भी सिलेक्ट करेंगे जो जो फ़ोटो चाहिए। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव टू सेव फोल्डर, तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी पिन आपने डाला है वो पिन यहाँ से डाल देना है। तो चलिए मैं 1112 डाल के नेक्स्ट कर दिया। इस तरह से दोनों फ़ोटो मेरा सेव फोल्डर में चला गया और वो फ़ोटो आप कोई भी नहीं देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो फ़ोटो सेव फोल्डर में गया है या नहीं गया है। इसके लिए हम यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद ये सेव फोल्डर का ऑप्शन है इसे टच करते हैं और पिन डालते हैं 1112 और नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों फ़ोटो जो है मेरा सेव फोल्डर में आ चुका है और ये पूरा सिक्योर है, ये आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। फ्रेंड्स अगर आप कोई अदर ऐप्स का यूज करके फ़ोटो पासवर्ड पे लॉक लगाते हैं तो वो सिक्योर नहीं है, वो टूट जाता है लॉक। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप वो कितना सिक्योर है या नहीं। फिलहाल अभी वीडियो लंबा हो जाएगा
ये ऐप पूरा सिक्योर है और इसे इस लॉक को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो अगर आप जो कोई फ़ोटो और वीडियो को यहाँ सेव फोल्डर में डाल दिए और फिर चाहते हैं कि फिर वो वापस हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर कर देंगे तो ये फ़ोटो सेम जगह पर चला जाएगा। और चाहते हैं कि अगर डिलीट हो जाए तो परमानेंटली आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो ये वीडियो फ़ोटो परमानेंटली डिलीट हो गया। इस तरह से आप चाहे तो सेव फोल्डर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और हाइड सेव फोल्डर कर देंगे तो ये फाइल आपको दिखेगा ही नहीं। इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल में और भी फाइल है। और फिर जब आपको देखना हो तो फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और शो सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से ये सेव फोल्डर शो हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फ़ोटो वीडियो को आराम से छिपा सकते हैं और कोई भी और किसी को भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है इंटरनल स्टोरेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको ये लिस्ट में दिखा रहा है आप चाहे तो इसे ग्रिड में देख सकते हैं। ग्रिड में देखने के लिए 3 डॉट पर देखिए एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स जैसा दिखेगा और आपको सब कुछ इजीली से अच्छे तरीके से दिखेगा। फ्रेंड्स चलिए हम इसे यहाँ से बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद अब नेक्स्ट फीचर बताते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शेयर का, तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप इस ऐप से किसी को भी वीडियो फोटो सेंड कर सकते हैं और उससे ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, शेयर इट, शेयर करो, जिससे आप फोटो वीडियो को भेजते हैं किसी के मोबाइल में और किसी से फ़ोटो वीडियो अपने मोबाइल में लेते हैं। तो आप गूगल फाइल्स का यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली से वर्क करता है। फ्रेंड्स मैं इस ऐप को बहुत दिनों से चला रहा हूँ और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ऐप यूज कीजिए, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी दिया हुआ है और हर 2-4 दिन में आप यहाँ से जंक फाइल पे करके आप अपने मोबाइल के वायरस को डिलीट कर सकते हैं। तो एक ऐप में इतने सारे फीचर दिए हैं तो आपको ये ऐप ज़रूर यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही जब मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।